एक अभियान आज शुरू किया है 24 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक, अगस्त क्रांति के दिन तक पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलेगा। हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा, हम लोगों ने भ्रष्टाचार का हिसाब मांगा, हम लोगों ने कानून का राज बिहार में समाप्त हुआ उसका हिसाब मांगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने लाठियों से पिटवाने का काम किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, 13 जुलाई को बीजेपी के कार्यकर्ता पटना के सड़कों पर उतरे, विधानसभा मार्च वो कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए। उसके बाद उन पर जो लाठी चार्ज हुआ, एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। उसके बाद फिर ये लगातार सरकार पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, घेरते नजर आ रहे हैं, टीम भी बैठी और आज बीजेपी में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं वो आपको दिखाई भी हूँ कि किस तरह से प्रदर्शनी कौन कौन सी तस्वीरें लगाई हुई है। चलिए, सम्राट चौधरी यहां पर पहुंचते हैं और सम्राट चौधरी सीधे बिहार सरकार पे निशाना साधते हुए क्या कुछ बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी आप सुनिए। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा, युवा मोर्चा के द्वारा आज हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। आदरणीय प्रेम कुमार जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता है, महामंत्री डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष दुर्गेश जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने एक अभियान आज शुरू किया है 24 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक, अगस्त क्रांति के दिन तक पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलेगा। जिस तरह हमारे लोगों को लाठियों से पीटने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, इसको जन जन तक पहुँचाने का काम करेगा। क्योंकि हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा, हम लोगों ने भ्रष्टाचार का हिसाब मांगा, हम लोगों ने कानून का राज बिहार में समाप्त हुआ उसका हिसाब मांगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने लाठियों से पिटवाने का काम किया। पूरी तरह देखिए, हम लोगों की जब गिरफ्तारी हुई है, यही फोटो है गिरफ्तारी के समय का। ये जब आंदोलन हम लोग कर रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च, शांतिपूर्वक हम मार्च कर रहे थे। देखिए, हमारे सभी कर, हमारी बहन चिंता झा जी हैं, इनको मारकर इनके छाती का भी हड्डी तोड़ दिया और इनके हाथ को भी तोड़ने का काम किया। आप सारी परिस्थिति को देख रहे, देखिए पूरी तरह हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और नीतीश कुमार जी की सरकार लाठियां बरसाने का काम कर रही थी। तो आपने सुना, सम्राट चौधरी सीधे तौर पे सरकार को घेरते हुए, निशाना साधते हुए साफ तौर पे कह रहे हैं कि यह जो सरकार है ये अपने आप कुछ भी यह कर रही है जिस पे लगाम लगाना जरूरी है। हम लोग वो ये भी कह रहे हैं कि भाई उस दिन विधानसभा मार्च के दिन क्या कुछ हुआ था और कैसे इस बिहार सरकार की जो पुलिसिया है वो लाठी चार्ज की और उनमें से एक इनके कार्यकर्ता की मौत हो गई, तमाम वो बातें हैं जिस पर वो ध्यान केंद्रित करते हुए सम्राट चौधरी बता रहे हैं। अब अभी हस्ताक्षर अभियान भी करके यहाँ पे से गए हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर अभी अभी आए और सम्राट चौधरी अभी हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के बाद फिर मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया से बातें किए। तब तक के लिए बने रहे आप लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।